नमस्कार, मैं रत्निका भदौरिया एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ न्यूज लाइव राजस्थान में। आज हम बात कर रहे हैं फिल्मी जगत की। जब भी हम फिल्मी जगत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म का नाम आता है, OTT प्लेटफॉर्म, जिन्हें हम ओवर द चॉप प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये वही प्लेटफॉर्म है जिन पर हम अक्सर अपने मनोरंजन के साधन ढूंढते हैं। यूट्यूब, एमएक्स प्लेयर, हॉटस्टार, अदर और भी हैं, जो भी हैं उनमें हम अपने मनोरंजन के साधन ढूंढते हैं। और जब से ये कोरोना शुरू हुआ है, इस काल में हमने और कुछ देखा ही नहीं, TV, मोबाइल और OTT प्लेटफॉर्म। बस इन तीन चीज़ों के सहारे ही हमने पूरा लॉकडाउन काटा है, मानते हैं कि नहीं। तो इस बात को लेते हुए आज हमने नज़र डाली राजस्थान के कुछ फेमस स्टूडियोज़ पर, जिन्होंने समाज को संदेश देने वाली फिल्मों को आगे बढ़ाया, समाज में एक सामाजिक संदेश देने के लिए फिल्में बनाई। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हम आज बात करेंगे तप्तेश जी की। जी हाँ, मेवाल फिल्म स्टूडियो, तप्तेश कुमार मेवाल जी की, जिन्होंने हमेशा ही सामाजिक संदेश देने वाली मूवियों को आगे बढ़ाया है। इसी कड़ी में उन्होंने एक और श्रृंखला जोड़ी है जिसका नाम है फ्लश। जी हाँ, फ्लश। फ्लश एक ऐसी मूवी है जिसमें हम ये जानेंगे कि हमारे समाज में आसपास किस तरह की मानसिकता के लोग रहते हैं, बच्चों को किस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए, वह बालिकाओं को अपने प्रेमियों से या कहें अपने दोस्तों से किस तरह सावधान रहना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे इस फिल्म में। जी हाँ, फ्लश नाम है इस मूवी का। इससे पहले भी तप्तेश जी ने कई अच्छी मूवीज़ की शूटिंग की है, जयपुर में ही की है, और जैसे तनाव से बाहर कैसे आए परीक्षार्थी, इस बारे में भी एक छोटी सी शॉर्ट मूवी बनाई गई है, और अन्य बहुत सारी मूवियां हैं। इस बारे में हमारी खास बातचीत हुई तप्तेश कुमार मेवाल जी से, जिसमें उन्होंने बताया कि सामाजिक संदेश देने वाली मूवियां ही मेरा ध्येय है, मैं चाहता हूं कि सामाजिक संदेश देने वाली मूवियां ही आगे बढ़ाई जाएं, क्योंकि आजकल समाज में बहुत सी तरह की मूवियां बनती हैं, बहुत तरह की मूवियां होती हैं जिनमें सामाजिक संदेश तो लोगों को बहुत कम मिलता है। हमारा दिमाग अक्सर नेगेटिव चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है, और जब हम नकारात्मक चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं तो हम सकारात्मक चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाते। आज हम सोचते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, हमें बेटियों को पढ़ाना ही क्यों है, बेटियों को बचाना ही क्यों है, ये कहने की ज़रूरत कहाँ पड़ गई हमें, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब हम ये शब्द बोलते हैं ना, तब हम ये साबित कर देते हैं कि बेटियां कमज़ोर हैं, उन्हें आगे बढ़ाना है इसलिए उन्हें पढ़ाना है। हम मनुष्य की सोच ये बदल क्यों नहीं सकती, हम अपने लड़कों को क्यों नहीं समझाते इस बात के लिए। यदि हम अपने लड़कों को इस बात के लिए बचपन से प्रेरित करें, उनको समझाएं कि बेटियों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बेटियों को बचाने की ज़रूरत नहीं है, बेटी हो या बेटा इस इक्वल, कोई अंतर नहीं है उन दोनों में, तब हमारा देश तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। बेटियों की शिक्षा हो या बेटों की शिक्षा, शिक्षा सर्वोपरि है, शिक्षा सर्वोपरि है, इस बात को हम सबको समझना होगा। इसी तरह के सामाजिक संदेश देती हुई तप्तेश जी की मूवी का स्वागत करेंगे हम OTT प्लेटफॉर्म पर जब भी रिलीज होगी। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर तप्तेश कुमार मेवाल, इंस्टाग्राम तप्तेश जी को हर जगह फॉलो कीजिए। थैंक यू। मैं रत्निका भदौरिया आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।